कि एक ही कपड़ा हम सबरे ब्लॉग आ रहे हम रुकन नहीं आए थे तो कहा है ना कि हम यहाँ रुकी है रश्मि इतनी पतली हम इतने मोटे हमारे कपड़ा नहीं आ रहे जाके जाई की मारे हम यही कपड़ा पहने मोटी है थोड़ा पतलो करना थोड़ा पतलो करने पड़े है या ऐसे मोटो करने पड़े हम दोनों ही जी जा गए थे छोटे बड़े बीच में गई थी जब रश्मि बैठ के ठीक है दिव्या को जेल आई है जितनी की बार पहली बार जो सब चीजें लिवाए दो हमारी तरफ से हेलो गाइस सो वेलकम बैक माय ब्लॉग। तो देखो गाइस देखो आज यहाँ कितने सारे लोग आए हुए आए हैं। दीदी से मिला दीदी बहुत सपोर्ट करी दीदी बहुत बढ़िया है और दीदी बहुत मेहनत कर रही है दीदी सपोर्ट करिए बाय बाय नहीं हम भी आ गए सॉरी से मिलने के लिए इनसे मिलने के लिए आए और यहाँ से मिलने के लिए भैया रूबी को सपोर्ट करो सब्सक्राइब करो लाइक करो वीडियो शेयर करो हमें सबसे ज्यादा इनसे ज्यादा ही घड़ो प्यार हुई पता नहीं काहे के मारे जब से आए इनकी हम अपने वीडियो के लिए कुछ सीख रहे थे जितेश से लेकिन इन्हें देखना हम भूल ही गए सब कुछ क्योंकि पता नहीं क्यों इनमें अजीब सो अटैक्शन हुई है हमें। तो जय दीदी वो आई है कहाँ से आई दिव्यापुर से दिव्यापुर से आया भैया आप अरे ये तो सॉरी से आई हम दोनों तो देखो यहाँ कितने सारे लोग आए हुए हैं। तो गाइस देखो रश्मि के लिए चप्पल लाया थी बिचारी तो हमने कही इनके जीजा जी दोनों ही जीजा गए थे छोटे बड़े बीच में गई थी जा रश्मि बैठ के ठीक है दिव्या पुर तो जेल आई है चप्पल तो आप लोग बताइयो कि कैसी है जाके चप्पल अच्छी है रश्मि के लिए और भी आइटम आइटम आई है आइटम में क्या क्या दिखाई है छोरी तो जो कजरा लगावे ये देखो दिल का उपहार है इनके लिए अच्छा मेकअप पूरा मेकअप किट है रश्मि ने कही अमू मेकअप कर लकमे का है तुम जो चूड़िया देखो चूड़ी लेके आए जितनी की बार पहली बार जो सब चीजें लिवाए दो देखो शॉपिंग करवा मैं हूँ ना मैं सिखा दूंगी इसने कहा दीदी मुझे भी मेकअप सीखना है तो इसीलिए देखो सब मेकअप खरीदवा दिया हमने ठीक है इसके लिए देखो ये देखो काजल है छोटा सा लग रही थी ना इसके लाइनर भी आया काजल लेके आए हैं सामान लाए ओ हो लिपस्टिक ये देखो लिपस्टिक भी लाके आए हैं ओ देखो और ये डबल साइड की है एक साइड से लगा लो एक साइड से पोत लो ये भी लेके आए हैं देखो ये लिपस्टिक लाए हैं इसके लिए आज दोनों साइड से ये काम करती है जिस तरफ से इसका मन करे उस तरफ से भैया जी जब बहुत मजाक करा देंगे की बात कहाँ ले जा रश्मि रश्मि अच्छा ये बता कैसा लग रहा है ये सारा कुछ सामान मिलो मतलब जीजा ने दो अच्छा लग रहा होगा पहली बार ऐसे चीजों मिले तो तू ऐसे कर दो लाए हम दो एक को चिल्ले ही रख एक को छोड़ दे एक को चिल्ले नहीं सिर्फ जीजा हेलो मैडम तो गाइस देखो हमने कर दो खाना शुरू रश्मि ने बनाए हैं जी कौन आलू सब्जी है जमका का डालो आलू टमाटर धनिया आलू टमाटर धनिया आलू टमाटर धनिया डाले और हम लोग देखो खाने लगे पड़े हैं और आप लोग जाना कहियो कि एक ही कपड़ा हम सबरे ब्लॉग आ रहे हम रुकन नहीं आए थे तो कहा है ना कि हम यहाँ रुकी है रश्मि इतनी पतली हम इतने मोटे हमारे कपड़ा नहीं आ रहे जाके जाई की मारे हम यही कपड़ा पहने मोटी है थोड़ा पतलो करना थोड़ा पतलो करने पड़े है या ऐसे मोटो करने पड़े हम दोनों ना कपड़ा एक सौ बनने पड़े पतलो होने पड़े देख हम ठीक है आप लोग बताइए हम मोटे हैं या तो जरूरत से ज्यादा पतली है तो देख हम लोग लगे रोटी खाने रात को भी इन लोगों ने ज्यादा खवाया तो जो मेरे सवेरे हुई पेट खराब और अब हम खाए नहीं रहे तो रश्मि जिद करके मेरे खवा रही देखो 12 बजे जा रहे हो दोपहर अब हम तैयार हो चुके हैं जाने कर ली हमने तैयारी आज हम घर जाइए अपने कपड़े नहीं लाए थे ना 12 बजे से ले खा ले मुँह देखो इतो कौन है इतो भारी मुँह खोल रही मेरा पेट भरी हम नहीं खाए हमें अच्छा नहीं लग रहा अच्छा नहीं लग रहा मतलब खाना तो बहुत अच्छा है लेकिन पेट खराब है स्टोर वाले जो कोई हो वो हमें दवाई दे आओ हो जाएगी